उज्जैन से। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छिप्रा नदी में गंदा पानी मिलने पर उम्मीदवार उसी में स्नान करने लगे। पीएचई की पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से गंदा पानी नदी में जाकर मिल रहा था। इसके बाद उन्होंने इसका विरोध जताते हुए इसे जल्द ठीक कराने की मांग की और उसी नदी में नहाने लगे। दरअसल रामघाट के पास पीएचई की पाइपलाइन में लीकेज होने से चौवर की ओवरफ्लो होने लगा और सीवरेज का गंदा पानी लीक होकर छिप्रा नदी में मिलने लगा। जैसे ही इसकी जानकारी उज्जैन कांग्रेस प्रत्याशी महेश पवार को मिली, छिप्रा नदी पहुंच गए और इसका विरोध कर नदी में ही नहाने लगे। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया है। चेवर लीक होने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम और पीएचई के अधिकारी पाइपलाइन को ठीक करने में लगे हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सीवरेज लाइन का ओवरफ्लो होने से गंदा पानी छिप्रा नदी में मिला है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से पवित्र और पौराणिक छिप्रा नदी में सीवर का पानी जा चुका है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।